राज्य पक्षी महोत्सव के अवसर पर कॉफी टेबल बुक का यह विमोचन बहुत बहुत आभार। बिहार में पक्षियों की आवाक बढ़ाने के लिए जमुई के नागी में 3 दिन दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव का शुक्रवार से आगाज हुआ है। महोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बने पक्षी संचेतना केंद्र का उद्घाटन किया। यह बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है और इसे पक्षियों के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद के साथ यहां पहुंचे। वे यहां बने पक्षी संचेतना केंद्र का उद्घाटन किया और पक्षी महोत्सव के नाम कलरव के लोगों का भी वे अवलोकन करें। उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद भी रहे। इस बिहार के वरिष्ठ मंत्री एवं कई विभागों के हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी आज के इस अवसर पर उपस्थित, इस क्षेत्र के हमारे सम्माननीय विधायक श्री दामोदर रावत जी, श्री प्रफुल्ल मांझी जी, श्री मेवालाल चौधरी जी एवं इस अवसर पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव जिन्होंने काफी मेहनत की है, श्री दीपक कुमार सिंह जी। पक्षी विशेषज्ञों, पर्यावरण और पर्यटकों के अलावा आम लोग भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि आज इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, जिसमें बिहार की लोक गायिका और फेमस मैथिली ठाकुर भी रही। वही मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि बिहार के कई इलाकों में, खासकर गंगा पार के इलाकों में प्रवासी पक्षियों का शिकार किया जाता है। ऐसे इस इलाकों में नहीं किया जा रहा है, यहाँ लोग और पक्षी साथ साथ रहते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि लोग नदी में नहाते, कपड़े धोते हैं और पक्षी उनके बगल में निडर होकर घूमते हैं, घर समाज का यही माहौल इसे खास बनाता है। पहाड़ों और झरनों से घिरे इस इलाकों की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करेगी। पक्षी महोत्सव के पहली बार आयोजन के लिए मैं सबसे पहले बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों की भागीदारी के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। पक्षियों को देखने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और जो कार्यक्रम किया गया है, ये सब राज्य पक्षी महोत्सव का कलरव जिसका नाम दिया गया है और ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी भी इसका नाम है और जो आयोजन किया गया है ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। वैसे तो अभी हाल ही में हम पहले भी गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पटना में, राजधानी पटना में जो पटना का मुख्यालय सेक्रेटेरिएट है उसके बगल में एक तालाब है और उस तालाब में जो पक्षियों की ऐसा कोशिश किया गया कि पक्षियों की संख्या खूब आए, अभी कुछ दिन पहले वहां जाकर के देखने का मौका मिला, इतनी संख्या में पक्षियों को देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और उन्हीं दिनों जब वन विभाग की तरफ से ये खबर आई कि यहां पर एक विशेष आयोजन हो रहा है, महोत्सव का आयोजन हो रहा है, पक्षी महोत्सव का, तो उसमें चलना है, तो मुझे खुशी हुई, आरा करके देखा